अच्छा जी, ये रेसिपी है गुड़ और तिल की। मैं चिक्की बना रही थी तो फिर नारियल भी रखा था, तो मैंने नारियल को भी थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया। एक मुट्ठी नारियल है ये, और थोड़े से मूंगफली के दाने ले लिए। अगर मुट्ठी से नापे हम तो ये दाने 2 मुट्ठी हैं, और इसके छिलके साफ़ कर दिए मैंने। और एक मुट्ठी ही यहाँ पर तिल है, यानी आधा कप, और ये गुड़ है, ठीक है ना। तो मैं इसे डालूंगी गुड़ को। यहाँ पर मैंने ये पैन में घी गरम करा है, देसी घी 1 चम्मच घी आप डाल लें, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। आँच धीरी है, इसमें मैंने गुड़ डाल दिया है। अब इसी में मैं एक साइड पर ये सारी चीज़ें डाल दूंगी। आँच मैंने धीरी की हुई, इसको चलाएंगे, ठीक है। ये सारा हमने इसमें गुड़ में लपेटना है। गुड़ पर मैंने बेलन मारे थे, तो बेलन से ऐसे ऐसे उसे पीटा था, तो वो पिचक सा गया है गुड़, लेकिन इसमें जो है वो मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा गुड़। तो 1 पिंच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, 1 घूंट पानी बस। ये 1 पिंच नमक है, ये इसमें मैंने ऐड कर दिया। एक यहाँ 2 टीस्पून मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसे पकड़कर इसको हमने अच्छे से चलाना है। सारा गुड़ मेल्ट होना चाहिए और सारी चीज़ें गुड़ से चिपक जानी चाहिए। और इसके अलावा मैंने एक थाली पर घी लगा कर रख लिया है, जिसमें मुझे इसे ट्रांसफ़र करना है। ये मैंने घी लगाया हुआ है, और इस तरह से गुड़ मेल्ट हो गया है, ये देखिए। अच्छे से इसे फैला लेंगे। थोड़ी थाली बच गई, तो ये बन गया, और इसको मैंने ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने इसे काट लिया। तो ये चुई है और ना ही ये कड़क है, ये सॉफ्ट है, और इसमें तिल का ज़्यादा टेस्ट है। अच्छा, खूब सारा मैंने इसमें तिल डाला हुआ है, नारियल का अच्छा सा टेस्ट आ रहा है, और नमक की वजह से गुड़ की मिठास बिल्कुल बैलेंस हो गई है। और मूंगफली का दाना जब बीच में आ रहा है, तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है। ये ट्राई ज़रूर करिएगा इस तरह से। अच्छा, इसको अगर आप और थोड़ी देर तक पका लेते थोड़ा सा ब्राउन सा शेड इसमें आने लगता ना जब गुड़ में, तो ये जो है ये टाइट हो जाता। इसमें सोडा भी डालते हैं बहुत से लोग, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है सोडा वगैरह, ना मैंने इसे ज़्यादा पकाया है। ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी हैं, ये देखिए, और ना ही ये टूट भी रही है आराम से, देखिए ये देखिए, ये आराम से टूट रही है, चुई भी नहीं है, और बहुत टेस्टी है बनी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा।